नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल बैंकर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमें आपके लिए जीआईवी, डीबीएफ और प्री प्रमोशन का वन स्टॉप सॉल्यूशन। काफ़ी दिनों से, जब से हमने पीपीबी और एलआरएबी का रिकलेक्टेड क्वेश्चन का सेट डाला है यूट्यूब पे और हमारी वीडियो लाइब्रेरी में, तब से हमारे बैंकर साथी हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सर सेकंड पेपर जो हमारा अकाउंट एंड फाइनेंस फॉर बैंकर है, एएफबी का जो सेकंड पेपर है, उसका भी रिकलेक्टेड क्वेश्चन का सेट डालिए। देखिए, एएफबी चूँकि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस उसमें आते हैं तो उनको प्रॉपरली फ्रेम करने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए थोड़ा सा लेट हमने ये वीडियो किया है। पहले आपको एलआरएबी का और पीपीबी का हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है वेबसाइट पे, पीडीएफ हमने अपलोड कर दिया, वहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। यूट्यूब पे भी हमने उसके वीडियो डाले हुए हैं। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पेपर टू जो है इसको हमने मॉड्यूल वाइज सेग्रीगेट किया। आप देख रहे हैं मॉड्यूल ए में आपका जो क्वेश्चंस दिख रहे हैं आपको, ये हैं आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट के क्वेश्चन, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड पूछे गए थे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन की मैं बात करूं, फिर ये बॉन्ड मार्केट से रिलेटेड क्वेश्चन है जो आपको पूछे गए थे। उसके बाद क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 से आप देखेंगे तो डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन है। डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन के बाद में करीब 4 क्वेश्चन इसमें डेप्रिसिएशन के हैं। उसके बाद में आप देखेंगे तो फॉरेक्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, और इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। तो ये क्वेश्चन को रिकलेक्ट करते हुए हमने ये आपके लिए पीडीएफ फाइल तैयार की है, जो हम जल्दी ही अपलोड कर देंगे हमारी वेबसाइट पे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें से डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 से अगर हम शुरू करें, ये क्वेश्चन है आपका डेप्रिसिएशन का। सबसे पहले इस वीडियो लेक्चर में मैं डेप्रिसिएशन को कवर करूंगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यूनिट 4 में हमने ऑलरेडी वीडियो लाइब्रेरी में कवर किया हुआ है, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हम करते हैं इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ए न्यू मशीन इज परचेज फॉर ₹5 लाख। 5 लाख रुपए की एक मशीन खरीदी गई है। डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड एट 10% बाई डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो 10% से इस पर डेप्रिसिएशन लग रहा है। डिमिनिशिंग मेथड मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ओके, इफ मशीन इज सोल्ड फॉर 4.5 लाख, 4.5 लाख रुपए की मशीन बेची जाती है एट द एंड ऑफ 3rd ईयर, 3 साल के बाद में, यानी 4th ईयर में, 3 साल तक डेप्रिसिएशन लगेगा इसमें। 4th ईयर में मशीन बेची जा रही है 4.5 लाख रुपए की, देन वॉट विल बी द प्रॉफिट और लॉस। देखिए, यहाँ वैसे मैंने कैलकुलेट किया है, 5 लाख की मशीन पर जब 10% डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो पहले साल जो डेप्रिसिएशन आएगा आपका, वो आएगा 50,000 रुपये का। 5 लाख इंटू 10% तो आपका डेप्रिसिएशन आ गया 50 लाख रुपये। अब दूसरे साल इसकी वैल्यू रह जाएगी 4.5 लाख रुपये, क्योंकि 50,000 रुपये कम हो गया। अब इस पर जब आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो डेप्रिसिएशन आएगा आपका 45,000 रुपीज़। ओके, अब देखिए, 4.5 लाख में से 45 जब लेस करेंगे तो आपकी वैल्यू रह गई 4,05,000 रुपये, और 4,05,000 रुपये पे, 4,05,000 रुपये इस पे जब 10% आप डेप्रिसिएशन लगाएं, क्योंकि हमको 3 साल का डेप्रिसिएशन लगाना है, तो ये डेप्रिसिएशन आएगा 40,500 रुपये, 40,500 रुपीज़। अब आप देखिए, ये तीनों साल का डेप्रिसिएशन जो है आपका 50,000, 45,000 और 40,500, ठीक है, ये आपका डेप्रिसिएशन हो गया। अब आपकी जो मशीन है वो बिकी है 4.5 लाख रुपये की। ओके, अभी तीनों साल का जब डेप्रिसिएशन आप लेस कर देंगे इसमें से 5 लाख रुपए में से, तो देखिए 50 + 45 + 40,500, इसको जब हम लेस करेंगे 5 लाख में से, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 3,64,500। क्लियर है यहाँ तक? देखिए, पहले साल डेप्रिसिएशन 50,000, दूसरे साल डेप्रिसिएशन 45,000 और 3rd ईयर डेप्रिसिएशन 40,500। जब इन तीनों का टोटल करेंगे हम और उस टोटल को माइनस करेंगे 5 लाख रुपए में से, तो मेरे पास फिगर आई 3,64,500। अभी ये 3,64,500 जो वैल्यू है, उसको अगर मैंने मशीन की वैल्यू में से लेस कर दिया, जितने रुपए में मशीन बिकी है मेरी 4.5 लाख रुपए में, तो जो डिफरेंस अमाउंट है वो आपका आंसर होगा। देखिए, मैं दोबारा ले लेता हूँ, यहाँ पे मेरी 5 लाख रुपए की मशीन है, इस पर मैंने 10% डेप्रिसिएशन लगाया, कितना हो गया 50,000 रुपये, वैल्यू बची मेरी 4.5 लाख रुपये। अभी मैंने फिर से 10% डेप्रिसिएशन लगाया तो कितना हो गया 45,000 रुपीज़, तो मेरी वैल्यू बची 4.05 लाख रुपीज़। अब मैंने इसमें फिर से 10% डेप्रिसिएशन लगाया तो मेरी जो डेप्रिसिएशन अमाउंट आया वो आया 40,500, तो मेरी वैल्यू बच गई 4,05,000 में से 40,500 में घटाऊँगा तो 3,64,500। अब ये मशीन मेरी बिकी है 4.5 लाख रुपए की, 4,50,000 की मैंने सेल कर दी, तो जो डेप्रिसिएशन अमाउंट है उसको मैं लेस करूंगा इसमें से, तो वो मेरा प्रॉफिट आ जाएगा। इसको मैंने माइनस कर दिया इसमें से, तो मेरा प्रॉफिट कितना आ गया, देखिए यहाँ आ गया 500 रुपये, यहाँ 9 में से 4 गया तो 5, 4 में से 6 गया तो 8,
तो आंसर आ गया आपका 85,500 रुपीज़ का प्रॉफिट आया है, क्योंकि मैंने मशीन ज़्यादा अमाउंट में बेची है और डेप्रिशिएटेड वैल्यू मेरी रह गई 364,500। तो जो 85,500 है वो मेरा प्रॉफिट है। तो आंसर यहाँ आ गया 85,500, या मैंने सॉल्यूशन भी आपको नीचे दे रखा है, आप चेक कर सकते हैं। ओके, चलिए अब चलते हैं हम दूसरे सवाल पे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन यहां पे क्लियर हो गया होगा। अब हम क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए अगला भी क्वेश्चन हमारा डेप्रिसिएशन का है। मैंने फाइल इस तरह बनाई है कि डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन एक साथ में लिए हुए हैं, बॉन्ड से रिलेटेड क्वेश्चन एक साथ में लिए हुए हैं। ओके, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, ए मशीनरी वाज परचेज ऑन 1 जनवरी 2014 फॉर रुपीज 1 लाख। 1 लाख रुपए की मैंने मशीनरी खरीदी। ओके, डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड एट 20% बाई डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड। 20% से इस पर डेप्रिसिएशन लग रहा है रिटन डाउन वैल्यू मेथड से। कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर 3 ईयर्स। 3 साल में कितना डेप्रिसिएशन लगा। अब देखिए मेरी 1 लाख रुपए की मशीन है, उस पर 20% पहले साल मैंने डेप्रिसिएशन लगाया, तो कितना आया डेप्रिसिएशन? 20,000। अगली बार वैल्यू रह गई मेरी 80,000, इस पे मैंने 20% डेप्रिसिएशन लगाया तो कितना आ गया? 16,000। ओके, अब 16,000 में 80 में से लेस कर दूंगा तो वैल्यू हो गई मेरी 64,000। आप यहाँ भी देख रहे होंगे मैंने सॉल्यूशन दिया हुआ है, इस पे फिर से मैं 20% डेप्रिसिएशन लगाऊंगा तो दिस कम्स टू 12,800। ठीक है ना, 12,800 रुपये आ गया। अब ये तीनों डेप्रिसिएशन का अगर मैं टोटल करूँ तो कितना आ गया? 800 इधर आ गया मेरा, और 6 + 2 = 8, और 2 और 2 = 4, 48,800। इन्होंने पूछा है कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, 3 साल में कितना डेप्रिसिएशन लगाया, तो डेप्रिसिएशन मेरा लगाया 48,800। सिंपल क्वेश्चन है, आपको कंसेप्ट क्लियर होने की ज़रूरत है, और कंसेप्ट आपको क्लियर होंगे हमारी वीडियो लाइब्रेरी से, जहाँ पे हमने बहुत ही अच्छी तरीके से आपको इसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन है तो कैसे निकालना है, और रिटन डाउन वैल्यू मेथड है तो कैसे आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो ये सेकंड क्वेश्चन है आपका डेप्रिसिएशन का जो पूछा गया था। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की इसमें ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन देखिए मेरा क्या कहता है, ऑन 1 जनवरी 2018 संजय एंड कंपनी परचेजे मशीनरी बाई चेक ऑफ ₹4 लाख। 4 लाख रुपए का इन्होंने चेक दिया है और उससे मशीनरी खरीद ली। द एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू ऑफ मशीन इज 60,000। 60,000 रुपये मेरी स्क्रैप वैल्यू है। ओके, डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड एट 15% पर एनम बाई डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड, यानी रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ओके, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मशीनरी एट द बिगनिंग ऑफ 3rd ईयर, यानी 2 साल के बाद में उसकी वैल्यू क्या बचती है। देखिए अब आप समझिए, मैंने 4 लाख रुपये की मशीनरी खरीदी। ओके, और 15% इस पर डेप्रिसिएशन है, तो मेरा 15% से डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 15 × 4 = 60, यानी 60,000 रुपये मेरा डेप्रिसिएशन अमाउंट आ गया, 60,000। ओके, अभी 60,000 में लेस कर दूंगा 4 लाख में से, तो मेरी वैल्यू रह गई 3.40 लाख। इस पर 15% में डेप्रिसिएशन लगाऊंगा तो मेरा अमाउंट कितना आ गया? 34 × 15% यानी कि 34,000 + 17,000 यानी 51,000। ये दोनों मेरे डेप्रिसिएशन अमाउंट आ गए, क्योंकि यहाँ पूछा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मशीनरी एट द बिगनिंग ऑफ 3rd ईयर, यानी 2 साल के बाद में इसकी वैल्यू कितनी रहती है। अब इसका टोटल कर लेंगे हम तो ये आ गया 111,000 रुपये। ठीक है, क्लियर है। अब वैल्यू ऑफ मशीनरी कितनी रह गई? देखिए 4 लाख की मेरी मशीनरी थी और इसकी स्क्रैप वैल्यू है आपकी 60,000। नहीं, आप सिंपल इसको लेस कर दीजिए, 4 लाख में से अगर मैं लेस कर दूँ 111,000 को, इसकी ज़रूरत ही नहीं है मुझे जो स्क्रैप वैल्यू इसमें दी हुई है, तो ये आ गया 289। ये आपका आंसर आ गया 289। सिंपल है। देखिए 4 लाख की मैंने मशीनरी खरीदी, 15% मेरा डेप्रिसिएशन है, पूछ रहे 2 साल के बाद उसकी वैल्यू कितनी बचेगी। ये स्क्रैप वैल्यू है जब हम बेचेंगे, या 2 साल के बाद की वैल्यू पूछी है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा? पहले साल हमने 15% डेप्रिसिएशन लिया 60,000, दूसरे साल 15% डेप्रिसिएशन लिया 51,000, टोटल डेप्रिसिएशन इज 1,11,000। 4 लाख रुपये में से 1,11 माइनस कर देंगे तो 2,89,000 इज द डेप्रिशिएटेड वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स। ये सिंपल क्वेश्चन पूछा है। 60,000 जो आपको वैल्यू यहाँ पे दी हुई है वो आपको कन्फ्यूज करने के लिए दी हुई है, इसका यहाँ कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये सिर्फ आपको कन्फ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। क्लियर है बात। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 4th क्वेश्चन हमारा इस पे डेप्रिसिएशन पे देखिए क्या है।
फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, ए मशीनरी कॉस्ट रुपीज 5 लाख एंड इट्स लाइफ इज 15 ईयर्स। एक मशीनरी है जो 5 लाख रुपए की खरीदी है और 15 साल इसकी लाइफ है ये मान के खरीदी है। स्क्रैप वैल्यू इज 50,000। अब 15 साल के बाद जो इसकी स्क्रैप वैल्यू बचेगी वो बचेगी 50,000 रुपये। ओके 50,000। वॉट इज़ द डेप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ मशीनरी एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर एज पर स्ट्रेट लाइन मेथड। देखिए स्ट्रेट लाइन मेथड इसमें दे रखा है, तो आप 50,000 रुपये की जो वैल्यू है वो इसमें से लेस करेंगे। सबसे पहले तो 5 लाख की मशीन है, 50,000 की वैल्यू लेस कर दी मैंने, तो चूंकि यहाँ स्ट्रेट लाइन मेथड है इसलिए ठीक है 4.5 लाख रुपये इसकी वैल्यू बची। अब इसको मैं अगर 15 से डिवाइड कर दूंगा तो हर साल इस पर डेप्रिशिएशन आया 30,000 रुपये। क्लियर है बात मेरी? क्लियर है। तो अब देखिए एंड ऑफ फोर्थ ईयर इसकी वैल्यू पूछी है, तो 4 साल में इस पर डेप्रिशिएशन कितना लग जाएगा? 30,000 × 4 यानी 1,20,000 इस पर डेप्रिशिएशन लगेगा। और जब 1,20,000 डेप्रिशिएशन लग गया तो 5 लाख की मशीन में से जब मैं 1,20,000 माइनस कर दूंगा तो मेरी वैल्यू कितनी आ गई? 3,80,000। दिस इज़ द आंसर, 3,80,000। देखिए 5 लाख रुपये की मशीन है, 50,000 रुपये चूँकि स्क्रैप वैल्यू है वो मैंने माइनस कर दी, बचा 4.5 लाख रुपये। तो 4.5 लाख रुपये पे आपका डेप्रिशिएशन इस पर लगेगा, 15 साल वैल्यू है तो हर साल इस पर डेप्रिशिएशन लगा आपका 30,000 रुपये। तो 30,000 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 120 और 120 को माइनस कर दिया 5 लाख में से, तो आंसर आ गया आपका 3,80,000। फ्रेंड्स इसी तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं। देखिए आगे क्वेश्चन फॉरेक्स से रिलेटेड है, मैं जब अगला वीडियो बनाऊंगा तो आपको दूसरे फॉरेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं, बॉन्ड से रिलेटेड क्वेश्चन, रेट ऑफ इंटरेस्ट से लेकर क्वेश्चन जो आए हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को हम हर वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। और AFB का जो हमारे बैंकर साथी एग्जाम दे रहे हैं उनको आने वाले एग्जाम के लिए जो जून जुलाई में जब भी होना है उसके लिए इनको काफ़ी इसमें मदद मिलेगी। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप पहले से सब्सक्राइब हैं तो बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।